है, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले कहीं पढ़ा हुआ हो या फिर सबके सब न्यू हो? न्यू सर। सर न्यू। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। एक्चुअली ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है तुम लोगों का, ठीक है? लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसा है जो तुम लोगों को पहले जानना जरूरी है। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर के से हम लोग कैसे मालूम करेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है? अब बाकी रिडॉक्सेशन के जो चीजें हैं जैसे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और कुछ इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे। जैसे टाइट्रेशन वगैरह हो गया, टाइट्रेशन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो चैप्टर 8 में होगा। और यहाँ पर हम लोग केवल ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो जानता पढ़ाई होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना। क्लास 10th में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम लोग वहीं स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, है ना? तो तुम लोगों ने देखा होगा बेटा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, पढ़ा था क्लास 10th में। यस सर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अच्छा बेटा एक चीज और तुम लोग बताना है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ है ना, कभी कभी जो मेरा साउंड है कट जाए, कट कट के आने लगेगा या फिर स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, तो तुम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत मुझे बोल देना, ठीक है? कि सर जो है स्क्रीन नहीं आ रहा है या आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है? ओके सर। यस सर। और जब तुम लोगों को बोलना हो उसी समय तुम लोग अपना माइक ऑन करना, बाकी समय जो माइक है उसको ऑफ कर दो, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन पूछना हो या डाउट पूछना हो तो उस समय माइक ऑन कर देना, इससे इको नहीं आएगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो क्लास 10th में तुमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? द गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट, है ना? ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा था बेटा ऑक्सीडेशन में? क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको तुम बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, उसको डी इलेक्ट्रॉनेशन बोलते हैं, ठीक है? डी इलेक्ट्रॉनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक नया पॉइंट यहाँ पर जुड़ गया है बेटा, ये तुम लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये नंबर है, इसको हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट को। तो बाकी जो थर्ड 3 पॉइंट ऊपर तो मैंने लिखा था उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल तुमने देखा होगा कि मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको तुम क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है? यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2। सल्फर क्या बना रहा है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना? तो काफी इजी है, दिक्कत नहीं यस सर। होगा बेटा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे नो आते हैं यहाँ सर। पर। यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो H2S में से देखोगे तो H2S में से हाइड्रोजन अलग हो गया है ना, तो जो सल्फर है कल रह गया, सल्फर से देखो जो सल्फर है वहां से हाइड्रोजन अलग हो गया है ना, तो सल्फर का क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखो HI, HI में से हाइड्रोजन अलग हो गया, केवल आयोडीन बचा, ठीक है? इसको तुम क्या बोलोगी? ऑक्सीडेशन। इस थर्ड एग्जांपल को भी देख लेते हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन। तो डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन अलग होगा, जैसे Fe2+ है, Rn2+, Rn2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, पहले 2+ था, जब इलेक्ट्रॉन और कम कर दोगे है ना, तो Rn3+ हो जाएगा। तो इसको तुम बोलोगे डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ Fe2+। यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शायद यहाँ पर नंबरिंग गलत किया, CD लिखा हुआ है, यहाँ पर ये AB होना चाहिए, स्मॉल ए, और ये स्मॉल बी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? और Mg गिव्स Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है?
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेने आता तुम लोगों को लैपटॉप से या फिर मोबाइल से जहां पर तुम देख लो वीडियो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें बार बार नोट बनाना नहीं पड़ेगा, जहां पर जो तुम वहां नोट करते जाना। हाँ बेटा बोलो सर, आवाज कट कट जा रही है सर, ये थर्ड वाला समझा दो एक मिनट। आवाज कट के आ रही है बेटा? सर नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है, थर्ड वाला। नो सर। ओके, तो एक बार जिसको आवाज कट के कट कर के आ रही है बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो ब्राउजर को या फिर अपने मोबाइल में जो ऐप है उसको रिफ्रेश कर लो, है ना। कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर बाकी लोगों को सही आ रहा है, अगर एक पे प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब वहां पर ब्राउजर का कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छा बेटा थर्ड पॉइंट देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो तो यहाँ पर जो आयरन है ना, आयरन टू प्लस है, आयरन टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया है ना, तो अगर Fe2+ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और कम कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, क्या बना रहा है यहाँ पर Fe3+ बना रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है बेटा, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है। अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन अलग होगा उसको तुम डी इलेक्ट्रोनेशन बोलोगे, आयरन में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, Fe2+ बनेगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन, सॉरी आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, तो यहाँ देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या बना रहा है, Mg2+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन अलग होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर आयरन से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ रिमूव हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो हाँ बोलो सर, इसमें अलग हो रहा था, ये Fe3 क्या है, Fe3+ Fe3+ बने बेटा, Fe3+ क्या है, अच्छा ये आयंस नहीं देखा बेटा, आयरन जो है बेटा रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, देखो देखो यहाँ पर कोई सब्सटेंस अगर है, जैसे मान लो कोई तुमने यहाँ पर एलिमेंट लिया A, ठीक है, अगर A में से इलेक्ट्रॉन को अलग करोगे तो क्या बनेगा, A+ बनेगा, ये समझ में आ रहा है बेटा, मैंने यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस ले लिया, ए ले लिया, ए में से इलेक्ट्रॉन को अलग करो तो ए प्लस बनेगा ना, कटायन बनेगा, ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो रहा है ना, तो राइट हैंड साइड और राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। उसी तरह से देखो आयरन का Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो Fe3+ होगा ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखो थ्री प्लस और एक इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आयरन के ऊपर यहाँ पर तीन प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ओवरऑल यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, देखो आयरन के ऊपर कितना चार्ज बेटा, दो पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर केवल चार्ज बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। ओके सर, और जो फोर्थ पॉइंट है द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है, जब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे तो उसको भी हम फोर्थ पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। आगे हम लोगों को देखना है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, जैसे तुमने ऑक्सीडेशन में क्या देखा, द गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखो थर्ड सेकंड पॉइंट लिखा था द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, लॉस यहाँ पर गेन हो जाएगा, गेन की जगह पर लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन का उल्टा ही है ये, है ना सर, यस सर। तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, एग्जांपल अगर तुम्हें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, बस ऊपर वाला जो एग्जांपल लिखा है उसका रिवर्स कर सकते हो, जो तुमने यहाँ लिखा ट्वाइस MgO,
है ना, इसको उल्टा कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम जी ओ गिव्स एम जी प्लस ओ टू। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसका पूरा का पूरा उल्टा होगा, रिडक्शन मतलब अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल भी उल्टा ले सकते हो या फिर तुम दूसरा डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है क्यूप्रस ऑक्साइड CuO, CuO प्लस C, यहाँ पे एग्जांपल में ध्यान पे एग्जांपल मत जाओ, यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस पर जाओ, ठीक है। तो मैं ये केयर करने की जरूरत नहीं कि एग्जांपल कैसे लिखूंगा मैं, इसको याद करना है या नहीं याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है इसको, ठीक है। केवल तुम्हें समझना है यहाँ पे जो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन को तुम्हें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी रिएक्शन याद नहीं करना है, बस यहाँ पर जो चीजें हैं उसको समझना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब CuO में से CuO है क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। CuO में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन। H2O, H2O में से देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा, ऊपर कॉपर का रिडक्शन हुआ, नीचे किसका रिडक्शन होगा बेटा, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो रिडक्शन है यहाँ पे देखो क्यूप्रस का, क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर देख सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको भी तुम रिडक्शन बोलोगे। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन का और सल्फर का क्या होगा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सेकंड पॉइंट को, यस सर। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो, जैसे तुमने ए ले लिया, ए प्लस हाइड्रोजन एच टू है ना, तो क्या बना रहा है, एच टू बना गया है ना, तो ए में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन, सल्फर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो CuO है, CuO में से ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, रिडक्शन। H2O है, H2O में से ऑक्सीजन अलग हो गया, क्या होगा, रिडक्शन। समझ आ रहा है बेटा? तो सर यहाँ पे सर CuO और H2O का ही तो रिडक्शन हुआ। हाँ अच्छा ठीक है सर। सर वैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना? नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा मैं बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी देखते जाओ, है ना, अभी रिडॉक्स रिएक्शन आगे आ जाएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ चलता है यहाँ पर, तो आगे देखेंगे हम लोग। फोर्थ थर्ड पॉइंट पर, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ देखो जिंक टू प्लस, जिंक टू प्लस में दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जेड एन एस बन गया, इस एस मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो जिंक टू प्लस एक्वस स्टेट में था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर न्यूट्रल हो गया, तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, ये कुछ आईपीसी फॉर्मेट लिखा गया, इस पर नहीं ध्यान देना बेटा। तुम्हें क्या ध्यान देना है कि जो जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। यहां देखो लेड टू प्लस, लेड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लेड का क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन, ठीक है। तो इस थर्ड पॉइंट से कोई डाउट है, इस तरह भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पर है ए, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ए माइनस बनेगा, है ना, या फिर कोई कटायन है, कटायन तुमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में, चाहे कटायन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे अनायन हो, किसी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिडक्शन होगा, तो डिपेंड नहीं करेगा न्यूट्रल सब्सटेंस है या कटायन है या अनायन है। पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो। जो थर्ड का जो सेकंड है बी लीड वाला, हाँ जीरो क्या हो गया? यस सर जीरो। जीरो का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ओके सर थैंक यू, ठीक है। सर के ऊपर सर जीरो होगा तो वन हो जाएगा ना सर उसका। अरे बेटा ये मैथ नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ जीरो को, चलो ठीक है, ये जीरो हट गया यहाँ पर।
ठीक है बेटा, अब सही है। यस सर। जीरो मतलब चार्ज जीरो है, उसका पावर जीरो नहीं है। ठीक बेटा, आ जाओ आगे। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलोगे? रिडक्शन, है ना। तो फोर्थ पॉइंट को हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये दोनों समझ में आ गए बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तुम लोगों ने क्लास 10 पढ़ा था, बस उसी को मैंने रिवाइज किया है। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बोला है, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कुछ है नहीं, कुछ नया तुमने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। सब कुछ पुराना ही है अभी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो तुमने फोर्थ पॉइंट लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम और एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और अपीयर टू हैव when present in the combined state with other atoms, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा बड़ा चीजें यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं तुमने एक कंपाउंड बनाया NaCl, ये NaCl तुमने बनाया, ठीक है। तो NaCl कैसे बना होगा, यहाँ पर NaCl कैसे बनाया होगा? NaCl बना होगा Na प्लस से और Cl माइनस से, है ना। Na प्लस से और Cl माइनस से, है ना, जिस तरह से बना होगा। तो Na प्लस कैसे मिला, Cl माइनस कैसे बना? तुमने क्लास 10th में आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बना होगा? जो सोडियम न्यूट्रल था, सोडियम ने क्या किया बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया क्लोरीन को। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। पढ़ा था कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर। कि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो NaCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl कैसे बना? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया, ठीक है। और Cl- कैसे बना होगा? Cl- क्लोरीन क्या क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा Na+ से, तभी तो ये NaCl बना, ठीक है। तो NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, है ना। यस सर। तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, सीएल माइनस आएगा, क्या नेगेटिव चार्ज बेटा इस तरह से। यस सर। तो ये जो चार्ज आ रहा है सोडियम के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर, इसी चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? सोडियम के ऊपर प्लस वन, एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? प्लस वन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज आएगा। ये माइनस वन तुमने लिखा है, तो ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुमने लोगों ने क्लास 10 पढ़ा था कि नहीं बेटा, आयनिक बॉन्ड। यस सर। यस सर। वही आयनिक बॉन्ड ही बता रहा हूं मैं, यहां कुछ नया नहीं मैंने नहीं बताया। यहां पर जब NaCl बना, NaCl बनने में Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अगर तुम बात करोगे MgCl2 का, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? मैग्नीशियम के ऊपर दो, क्लोरीन के ऊपर वन चार्ज होता कि नहीं? एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दो क्लोरीन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज, पढ़ा होगा तुमने ना। Yes, sir. मैग्नीशियम में yes, sir. दो अलग अलग क्लोरीन को दिया होगा, तो एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? प्लस टू। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? माइनस वन।
ठीक है, यहाँ पे दो क्लोरीन है तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन को दिया होगा, मैं एक क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा ओवरऑल, है ना। Yes, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस टू, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है केएफ, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, तो पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन को डोनेट किया होगा प्लस वन, फ्लोरिन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया माइनस वन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम क्या होगा प्लस वन, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, है ना, और फ्लोरिन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरिन क्या होगा बेटा यहाँ पर माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से Na2O ले लेता हूं मैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन पर क्या होगा दो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दो अलग अलग सोडियम से, ठीक है, तो एक सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज आएगा, दो सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज आएगा, टोटल दो सोडियम है यहाँ पर है बेटा, दोनों सोडियम रिटर्न डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ये क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो रहा है बेटा टू माइनस क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड बनने में जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सब्सटेंस, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन, ठीक है। तो जो चार्ज आता है कंपाउंड के ऊपर, जो चार्ज आएगा जो एलिमेंट है एलिमेंट को जो चार्ज आता है उसी चार्ज को तुम क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन आर अपीयर टू हैव प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विथ अदर एटम्स, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ जो मैंने अभी बताया था ना, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इस बेटा NaCl का, फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो सोडियम पर कितना चार्ज होगा बेटा प्लस वन, और क्लोरीन पर कितना चार्ज है माइनस वन, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन, ठीक है। यस सर, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर, थोड़ा चीजें अलग ये है, एक तुम लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, पूछ सकते हो। सर एक बार Na2O को बता दो, Na2O का देखो बेटा, Na2O का देखो, Na2O का ऑक्सीडेशन नंबर, Na2O कैसे बना होगा, Na2O में दो सोडियम है ना, दो सोडियम होगा Na2O में और एक ऑक्सीजन इस तरह से, ये देखो जहां पर मैंने सर्कल बनाया उसको देखो, ठीक है, तो एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन को, फिर इस सोडियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस ऑक्सीजन को, ठीक है, तो दोनों सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट किया, क्योंकि ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी 8-2 होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पढ़ा होगा बेटा ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये दो अलग अलग सोडियम से, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल क्या होगा माइनस वन, माइनस वन कितना हो गया यहाँ पर, टोटल चार्ज कितना बेटा यहाँ पर माइनस, टोटल चार्ज देखो माइनस टू है ना, तो यहाँ जो टोटल चार्ज है माइनस टू हो गया, सोडियम का चार्ज कितना बेटा प्लस वन, ठीक है, तो जो चार्ज आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है बेटा उसे तुम क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कैसे निकालोगे मैं अभी और बताऊंगा, बस मैंने अभी यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसको तुमने डिफाइन किया यहाँ पर, तो ये जो डेफिनेशन है अगर एनसीईआरटी में पूछता है तो उसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, तो थोड़ा नीचे कर दो स्क्रीन। हाँ ओके सर, हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है,
तुमने अभी देखा होगा कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये जो सोडियम वैलेंसी वन होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी टू होता है ना, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दो अलग अलग चीज होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा देर बाद बता दूंगा, वैलेंसी वाला जो टर्म है इसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस दे दिया तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पर तुमने एग्जाम्पल क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा सिंपल एग्जाम्पल NaCl देखा, KF देखा, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा बेटा MgCl2 का देखा और Na2O का देखा, ये केवल चार एग्जाम्पल हमने देखा है ना। यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तुमने क्लास 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, यस सर। हाँ, तो जो मेटल होते हैं मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल है नॉन मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव, बस दो ही एलिमेंट यहाँ पर था। लेकिन अगर कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल जाए जिसमें तुम्हें मालूम ही नहीं कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो तुम क्या करोगे। जैसे मान लो तुमको एग्जाम्पल मिल गया H2O का, वाटर मिल गया यहाँ पर, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पर AlCl3 मिल गया, ठीक है AlCl3, या फिर कोई अलग से एग्जाम्पल जिसमें तीन चार एलिमेंट हो जैसे K4 FeCN6, ठीक है कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल मिल गया, या फिर K2Cr2O7 कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल मिल गया जो डिफिकल्ट या दिखने में अजीब सा हो, है ना, इस तरह से मॉलिक्यूल मिल गया, उसमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया कि हाँ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन K4 FeCN6, या फिर पूछ दिया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, तो कैसे निकालोगे, तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना। हम इस तरह से इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें मालूम ही नहीं किस पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उस रूल को हम लोग देखेंगे वन बाई वन, जो रूल है उस रूल को हम लोग पहले देखेंगे कि रूल क्या बोलता है, और फिर हम लोग उस रूल के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल को देखो, यहाँ पर टोटल 10 रूल है, ठीक है। तो हर एक रूल को हम लोग देखेंगे वन बाई वन। तो आते हैं पहले नंबर वन, रूल नंबर वन पर देख, ठीक है। तो रूल नंबर वन में क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाया हुआ है, एलिमेंटल स्टेट में है ना, जिस फॉर्म में होता है बेटा एलिमेंटल प्योर फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में है, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा, ठीक है। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म रहता है हीलियम, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हीलियम का, देखो लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो। तो ये रूल है, इस रूल को याद करना है, यहाँ पर जो 10 रूल लिखा गया बेटा इसको पूरे के पूरे रूल को याद करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। रूल को हमेशा याद किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बेटा, यहाँ जो चारों ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को याद नहीं करना है। रूल क्या बेटा, ऊपर जो मैंने नंबर वन लिखा हुआ है ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री और एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, तो हीलियम का क्या होगा जीरो। दूसरा देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है बेटा, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है ना। अगर किसी सब्सटेंस में केवल एक ही टाइप का एटम हो तो उसको एलिमेंटल स्टेट बोलोगे, तो क्लोरीन, क्लोरीन में क्या है बेटा, दोनों ही क्लोरीन है, तो ये क्या हो बेटा, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है। जैसे O2 ले लो, है ना, O2 क्या है बेटा, एलिमेंटल स्टेट में। H2 ले लो, H2 क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है। N2 क्या है बेटा, N2 भी एलिमेंटल स्टेट में है, है ना। तो अगर एक ही टाइप का एटम हो किसी मॉलिक्यूल में तो उसको बोलोगे एलिमेंटल फॉर्म, ये एलिमेंट के फॉर्म में है। तो हीलियम क्या है, एलिमेंटल फॉर्म, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। क्लोरीन देखो, दोनों ही क्लोरीन है, एलिमेंटल फॉर्म जीरो। S8 ये सल्फर है ना, सल्फर को S8 लिखा जाता है, सल्फर S8 के फॉर्म एग्जिस्ट करता है सल्फर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा,
जीरो P4 P4 क्या है बेटा फास्फोरस सर ना हाँ बोलो एग्जांपल नोट डाउन तो नहीं करने ना नोट कर लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और रूल तो लिखना ही है एग्जांपल याद नहीं करना है ठीक है पर नोट कर सकते हो एग्जांपल याद नहीं करना है सर जो हीलियम है वो कैसे होगा हीलियम बेटा हीलियम गैस हीलियम जो है मोनोटॉमिक गैस होता है ना बेटा हीलियम तो कंपाउंड बनाएगा नहीं इनर्ट गैस है ना हीलियम हीलियम नियॉन आर्गन ये सब क्या इनर्ट गैस सर सारी इनर्ट सर सारी इनर्ट गैस होंगी वो तो उनका जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर अगर इस तरह से जो एलिमेंटल स्टेट में अगर है कोई एलिमेंट तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा ठीक है तो इनर्ट गैसेस क्या होता है एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाएगा ठीक है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा जीरो और अगर कोई इनर्ट गैस कंपाउंड बनाता है तो वहां निकालेंगे आगे तो फिलहाल के लिए केवल इन चार को देखो अभी फिलहाल के लिए जो बताया जा रहा है उसको देखो बेटा है ना अभी फिलहाल के लिए हीलियम क्या एलिमेंटल स्टेट में है केवल एक ही हीलियम है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अगर मान लो क्लोरीन है केवल एक क्लोरीन यहाँ पर दिया गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा ठीक है CL2 लिखा तो भी क्या होगा जीरो जैसे O लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो O2 अगर है तो क्या होगा जीरो अगर ओजोन बना दिया O3 तो भी क्या होगा यहाँ पर एक ही टाइप का एलिमेंट यहाँ पर है ना जीरो होगा अगर यहाँ पर लिख दिया फॉस्फोरस अगर यहाँ पर लिख दिया जाए फॉस्फोरस P ठीक है या लिख दिया P2 या फिर P4 या फिर P10 ठीक है कुछ भी लिख दिया जाए यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सबका जीरो 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 ठीक है इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तो सारी गैस एलिमेंटल स्टेट में होती हैं नहीं बेटा सारी गैस अमोनिया देखो अमोनिया क्या एलिमेंटल स्टेट में SO2 देखो कार्बन डाइऑक्साइड देखो अलग अलग देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या अलग है हाइड्रोजन अलग है कार्बन देखो अलग एटम है ऑक्सीजन अलग एटम है ना अलग अलग आइटम है ना यहाँ पर अलग अलग टाइप का आइटम है जो सिंगल एलिमेंट गैस होती है वही हाँ केवल एक ही टाइप आइटम हो सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नंबर हाइड्रोजन भी है हाँ हाइड्रोजन H2 ठीक है एग्जांपल नंबर यहाँ पे देखो रूल नंबर 2 पर आ जाओ ठीक है रूल नंबर 1 हो गया ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 पर आ जाओ रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मोनोटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन ठीक है तो अगर कोई आयन है तो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ठीक है जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है देखो यहां पर फॉर एग्जांपल K+ ठीक है अगर K+ है तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज बेटा 1 पॉजिटिव चार्ज है ना पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 अगर क्लोरीन है क्लोरीन माइनस यहाँ देखो Cl- के फॉर्म में है तो Cl- के फॉर्म में इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1 उसी तरह से जम्पर मैंने बताया था NaCl का तो Na+ के फॉर्म में होगा Cl- के फॉर्म में तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 और क्लोरीन का क्या होगा -1 तो इसमें कुछ बताना नहीं है तो सिंपल सा था रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1 तो अगर कोई एल्कली मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा देखो बेटा एल्कली मेटल क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर एल्कली मेटल के बारे में है ना तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यस सर उसमें जो ग्रुप 1 होता है ग्रुप 1 सर एस ब्लॉक वाले हाँ एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 होगा फर्स्ट ए या ग्रुप 1 होगा उसमें जो एलिमेंट होगा उसको तुम क्या बोलोगे एल्कली मेटल ठीक है उसको एल्कली मेटल बोलते हो तो एल्कली मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट होता है पहला एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम ठीक है रुबिडियम सीजियम ठीक है तो हाँ फ्रांसियम तो ये क्या है ग्रुप 1 एल्कली मेटल है तो एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा +1 ठीक है तो अगर एल्कली मेटल है ग्रुप 1 का कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 उसी तरह से एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल
ठीक है, तो या फिर इसको बोलते हैं ग्रुप टू, मैं यहाँ पे ग्रुप टू बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप टू। ग्रुप टू में कौन एलिमेंट है? ग्रुप टू में पहला एलिमेंट है क्या है बेटा? बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, क्रोमियम, बाद क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बेरियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप टू। तो ग्रुप वन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, और ग्रुप टू का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? ग्रुप टू एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगा। ग्रुप वन का प्लस वन, ग्रुप टू का प्लस टू, याद रखना है। ग्रुप वन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हो, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर ये कंपाउंड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। ग्रुप टू, ग्रुप टू का कोई एटम अगर कंपाउंड में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू। तो ये दो रूल है, ठीक है, ध्यान लिखा लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्केली मेटल इज प्लस वन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हुआ, ग्रुप टू, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल इज प्लस टू इन ऑल दियर कंपाउंड्स। समझ जाए बेटा ये दोनों पॉइंट, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर? यस सर, यस सर। हाँ, ये जो रूल है ये ग्रुप वन ग्रुप टू के लिए है, ग्रुप थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एटीन तक के लिए नहीं है, केवल दो ग्रुप लिए रूल है, ग्रुप वन के लिए प्लस वन होगा, ग्रुप टू के लिए प्लस टू होगा, बाकी कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक है। तो याद रखना जो रूल है, रूल रूल है, तो रूल को उसी तरह से पढ़ना है। ग्रुप बना हुआ है ग्रुप वन और ग्रुप टू मेटल के लिए, ग्रुप थ्री के लिए रूल नहीं है, ग्रुप फोर के लिए नहीं है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज माइनस वन, ठीक है, जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा क्या होगा, माइनस वन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा हमेशा माइनस वन होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ, नोट दैट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हेंस कैन नॉट अटेन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखो। नीचे जो लिखा हुआ ब्रैकेट में छोड़ दो उसको, ये ज्यादा काम की चीज नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ रूल है वो इंपॉर्टेंट है। रूल में लिखा हुआ है फ्लोरीन इज ऑलवेज माइनस वन इन ऑल इट्स कंपाउंड, तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, माइनस वन, ठीक है, याद रहेगा। ग्रुप वन का प्लस वन, ग्रुप टू का प्लस टू, और फ्लोरीन का माइनस वन। देखो यहाँ पर साइन के साथ चलता है ऑक्सीडेशन नंबर, साइन मिस मत कर देना, अगर फ्लोरीन है तो माइनस लगाओगे आगे, माइनस वन, अगर यहाँ पोटेशियम तो क्या होगा, प्लस वन, ठीक है, तो साइन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर चलता है, प्लस होगा या तो माइनस होगा, अगर जीरो है तो जीरो को जीरो लिखोगे। सर इसने बोला कि फ्लोरीन माइनस वन है इन ऑल इट्स कंपाउंड, इसका मींस जितने भी कंपाउंड है फ्लोरीन के, है ना, उसमें क्या होगा, माइनस वन होगा। जैसे केएफ ले लिया, केएफ हो गया, है ना, और क्या हो गया बेटा, तुमने यहाँ पे ले लिया ओएफ टू ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे तुमने दूसरा कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे एलआईएफ ले लिया, तो कोई भी कंपाउंड ले लो फ्लोरीन का, उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्लोरीन का माइनस वन। अच्छा सर, पूरे कंपाउंड में सिर्फ फ्लोरीन का माइनस वन होगा, केवल फ्लोरीन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का, हाँ यस सर, ना कि पूरे कंपाउंड का। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता बेटा, जो एलिमेंट है ना, एटम है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं लोग। ओके सर, रूल नंबर सिक्स पर आ जाओ। रूल नंबर सिक्स में लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज असाइन प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस वन, याद रखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन व्हेन इट इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट हैज माइनस वन, हैज माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटल हाइड्राइड्स। तो याद रखो बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा हाइड्रोजन वाले समझ लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर वन है, एक होगा प्लस वन, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस वन। तो प्लस वन क्या होगा ऑल केसेस में, ऑल केसेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, ठीक है, मेटल हाइड्राइड, ऑल केसेस एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, प्लस वन।
और अगर मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, एक है मेटल हाइड्राइड, दूसरा है नॉन मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल नहीं तो नॉन मेटल हो जाएगा, अगर नॉन मेटल हाइड्राइड है तो +1 होगा, और अगर मेटल हाइड्राइड है तो -1 होगा। तो मेटल हाइड्राइड कैसे मालूम चलेगा तुम्हें कि मेटल हाइड्राइड है? हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा। जैसे सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम मेटल है कि नहीं? सोडियम मेटल है। तो NaH क्या होगा? ये मेटल हाइड्राइड है। तुमने ले लिया यहाँ पर LiH, लिथियम हाइड्राइड, ये क्या होगा? मेटल हाइड्राइड। MgH2 ये क्या है बेटा? मेटल साथ हाइड्रोजन है ना, मेटल हाइड्राइड। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल, कैल्शियम मेटल, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल। तो अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, और अगर मेटल नहीं है, अगर मेटल नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। जैसे तुमने ले लिया H2O, ले लिया H2O में देखो मेटल है, ऑक्सीजन मेटल नहीं ना है बेटा, नॉन मेटल है ना। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का? +1, ठीक है। HCl ले लिया तो क्लोरीन मेटल है, नहीं है ना। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ नहीं है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा यहाँ पर? +1। अगर तुमने ले लिया यहाँ पर LiH तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। H2SO4 को पीछे से बोल रहा है, H2SO4 यहाँ पर कहीं मेटल दिख रहा है? मेटल कहीं दिख रहा है बेटा इसके ऊपर कंपाउंड में? नहीं। नो सर। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। +1, ठीक है। अगर मेटल रहता है तो -1, अगर मेटल नहीं है तो +1। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, रूल नंबर 7 पर आ जाओ। रूल नंबर 7 दिया हुआ, ऑक्सीजन इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, इन मोड्स ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट OF2 कमा O2F2 कमा परऑक्साइड, परऑक्साइड कमा सुपर ऑक्साइड। तो पहले तो ये देखो रूल में क्या लिखा हुआ है। रूल में यहां से यहां तक ये रूल है, ठीक है, यहां से यहां तक रूल है। रूल में लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर -2। पहले तो ये जान ले बेटा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या अज्यूम करोगे? -2 अज्यूम करोगे। लेकिन अगर OF2 है कहीं पर, ठीक है, अगर OF2 कहीं पर आ गया, या फिर O2F2 कहीं लिखा हुआ है, या परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में बाद में आ जाऊंगा। ये दो कंपाउंड दिया गया है, दो स्पेशल कंपाउंड यहाँ पर OF2 है ना, दूसरा क्या है O2F2। तो अगर ये दो कंपाउंड है तो इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ऑक्सीजन का? OF2 में होगा बेटा +2, और O2F2 में होगा -1। मैं यहां लिख रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन O2 और O2F2 तो कोवेलेंट है, तो इसमें तो गेन और लूज तो होंगे ही नहीं। होगा बेटा, कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हां, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। और अब तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ा था कि नहीं क्लास 10th में? यस सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना होता है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब रिटर्न को ले गया, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होता है, कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपने पास,
तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ना पड़ेंगे। तो उस हिसाब से जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में भी खींच लेते हैं सब इलेक्ट्रॉन को। OF2 में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, प्लस टू। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस वन, ठीक है। परऑक्साइड में माइनस वन होता है, सुपर ऑक्साइड में माइनस वन बाई टू होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन इसको भी नोट कर लो। और ये रूल है बेटा, ऑक्सीजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा एक्सेप्ट दीज फोर कंपाउंड। अगर ओ एफ टू है तो यहाँ तुम डायरेक्ट कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दोगे प्लस टू। टू एफ टू लिखा हुआ कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, प्लस वन लिख दोगे। परऑक्साइड लिखा हुआ तो माइनस वन, सुपर ऑक्साइड तो माइनस वन बाई टू। परऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। नोट कर लिया? यस सर। आगे आ जाओ, रूल नंबर एट पर आ जाते हैं, ठीक है। रूल नंबर एट, द अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल इज जीरो, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल इट्स एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है। इसका मतलब देख लो, इसका मतलब यह है कि कोई कंपाउंड इस तरह से बनाया गया है, जैसे तुमने यहाँ पर H2SO4 लिया है, H2SO4 है ना, तो H2SO4 में अगर तुम देखोगे तो H2SO4 न्यूट्रल है या आयन है बताओ? H2SO4 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आयन तो नहीं है ना, आयन नहीं है ना? नो सर, नो सर। ओके, तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने कुछ लिखा, मान लो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक्स आ गया, सल्फर का वाई आ गया, ऑक्सीजन का जेड आ गया, तो अगर इन सब ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे, तुमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला एक्स आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वाई आया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वो जेड आ गया, अगर इन सब ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज क्या है, जीरो, न्यूट्रल है तो जीरो। अगर कोई आयन होता है, जैसे अमोनियम आयन ले ले तुमने NH4+, ठीक है, तो यहां पर अगर अलजेब्राइक सम करोगे तो अलजेब्राइक सम क्या होगा, चार्ज ऑन द आयन प्लस वन। तुमने यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला X, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने यहां लिखा Y, ठीक है, X प्लस Y क्या होगा, यहां पर अलजेब्राइक सम क्या होगा, प्लस वन। एक और एग्जाम्पल देखो, तुमने यहां पर लिया AlCl3, ठीक है, ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं बेटा, AlCl3? यस सर, यस। तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम क्या होगा सर, जीरो, जीरो होगा। एक और एग्जांपल देखो, SO4 2 माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा, ये कटायन है या अनायन है सर, अनायन, अनायन, तो अलजेब्रिक सम क्या होगा सर, माइनस टू, माइनस टू होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर NO3 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट आयन है ये, तो यहाँ पर अलजेब्रिक सम क्या होगा, माइनस वन होगा, है ना। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल और है N2H5+, N2H5+, ठीक है, तो ये क्या बेटा, कटायन है या अनायन है, कटायन, कटायन। तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस फाइव, प्लस वन, अलजेब्रिक सम यहाँ पर क्या होगा, प्लस वन, ठीक है, अलजेब्रिक सम यहाँ पर प्लस वन होगा। तो समझ में आएगा अलजेब्रिक सम का मतलब, इसको कैसे यूज करोगे मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल तुम लोग रूल को पढ़ रहे हो, इसका यूज मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। अलजेब्रिक सम वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? यस सर। पॉइंट नाइन पर आ जाओ और पॉइंट टेन पर आ जाओ। तो पॉइंट नाइन और पॉइंट टेन को हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो नाइन और टेन को हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है सर। एक मिनट सर, नोट कर लो, सर एक मिनट, तो इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पर पूरा फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ।
यहाँ पर टोटल रूल तुम्हें दिखाई दे रहा है, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10 तक। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो सर, नोट डाउन 10 तक करना है, 10 तक नोट डाउन पूरा पूरा नहीं नहीं पूरा रूल तो 9 10 भी पढ़ना है बाद में, लेकिन पढ़ना है, लेकिन नोट तो करोगे अभी, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। कर लिया बेटा? हो गया सर, आधा मिनट सर। ओके, तो अब हम लोग कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, है ना? कुछ यहाँ पर सर थोड़ा सा पकड़ दो सर, थोड़ा सा ऊपर। ओके बस सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, किसी को आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर, आ रही है, आ रहा बेटा, थोड़ा सा अपना स्पीकर देख लो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइलाइटेड एटम इन गिवन मॉलिक्यूल्स। जो हाइलाइटेड एटम है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ देखोगे तुम्हें है, यहाँ पर है ना ढेर सारे एग्जाम्पल है, सबको हम लोग करेंगे। तो पहले आता है रूल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ H2S, ठीक है? तो H2S में हाइलाइटेड एटम कौन सा है बेटा, दिखा हाइलाइटेड एटम? सल्फर। कौन सा एटम हाइलाइट किया गया है यहाँ पर? सल्फर को बोल्ड में लिखा हुआ है ना, बोल्ड में, जो बोल्ड है थोड़ा सा गाढ़ा सा लिखा हुआ है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है, ठीक है? तो अब सल्फर का तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। अब तुम कैसे करोगे बेटा? सल्फर के लिए कोई रूल है? देखो जो सल्फर है, सल्फर के लिए कोई रूल नहीं है। नहीं, यहाँ पर रूल किसके लिए पढ़ा? या तो एल्कली मेटल के लिए रूल है, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, या फ्लोरीन के लिए, या ऑक्सीजन के लिए, या हाइड्रोजन के लिए, या फिर है, ठीक है? लेकिन सल्फर के लिए कोई रूल नहीं है। अब सल्फर का तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो अब हम लोग जो रूल ऊपर दिया गया उसी रूल से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Each atom present in molecule is equal to the charge on atom or molecule. अब देखो H2S में sulfur, H2S का बेटा charge क्या है H2S के ऊपर? तो neutral है, zero होगा। Zero होगा, तो algebraic sum यहाँ पर zero होगा, है ना? तो मैं निकालना है sulfur का oxidation number। तो जिसका oxidation number निकालना हो, उसी को तुम assume करोगे X, ठीक है? तो यहाँ लिखोगे let the oxidation number of sulfur is equal to X. Let the oxidation number of sulfur is equal to X. Sulfur का oxidation number तुमने X assume कर लिया है, ठीक है? Hydrogen का क्या होता है बेटा? तुमने पढ़ा था, अगर hydrogen है तो hydrogen का oxidation number plus one होगा, अगर metal नहीं है तो। यहाँ देखो बेटा, इस molecule में कहीं metal नहीं दिखाई दे रहा, sulfur metal नहीं है, ठीक है? तो hydrogen का plus one होगा? Yes sir. लेकिन दो हाइड्रोजन है ना मॉलिक्यूल में, देखो दो हाइड्रोजन, yes, एक हाइड्रोजन का प्लस वन है, तो दो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्लस टू हो जाएगा ना, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन में तुमने अज्यूम किया एक्स होता है, ठीक है? अलजेब्रिक सम क्या होगा इसका? जीरो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? प्लस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर और सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी माइनस टू, ठीक है? तो उस एटम के ऊपर तुम लिख दोगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके ऊपर तुम लिख दोगे, ठीक बेटा? आगे आ जाओ, यहाँ पर आगे है एस एट, है ना? एस एट। तो अब यहाँ पर सल्फर को हाइलाइट किया गया है, और सल्फर क्या बेटा यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में या नहीं? देखो यहाँ पर स्टेट में जीरो होगा, जीरो होगा, और तुम इसको इस रूल से भी निकाल सकते हो। देखो ये न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल है ना बेटा मॉलिक्यूल, जीरो चार्ज जाएगा, है ना? तो चार्ज जीरो जाएगा, एट मल्टीप्लाइड बाई लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एक्स, एक्स तुमने अज्यूम किया एक्स है ना, एक्स हो गया, यहाँ पर आठ सल्फर है तो एट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो।
तो क्या लिख होगा बेटे यहाँ से, x क्या होगा, x is equal to जीरो, यानी तो होगा जीरो, ठीक है, जीरो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो जहां भी अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्सेप्ट फोर, है ना, एक्सेप्ट फोर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस टू। तो मैंने ऊपर रूल लिखवाया था, यस सर। तो जब एक्सेप्शन आएगा मैं बताऊंगा, जो चारों का जो यूज है हम आगे बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए उसको भूल जाओ, चारों रूल मैंने लिखवाया था एक्सेप्शन वाला। तो अभी जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तुमने ज़ूम किया x, है ना, तुमने ज़ूम किया, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x, ऑक्सीजन का क्या होगा, माइनस टू। अलजेब्राइक इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर सल्फर का तुमने x लिख दिया, प्लस टू ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू होगा, इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस फोर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इस सल्फर का समय निकालना, प्लस क्या क्या लिखा है सर, x प्लस क्या आगे, टू मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर देखो बेटा फिर से देखो इस इक्वेशन को, कुछ लोग समझ नहीं आया, तुमने क्या लिखा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, हाँ दोबारा बता रहा बेटा ध्यान से सुनो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने x अज्यूम किया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने क्या लिखा था ऊपर रूल में, देखो माइनस टू, ऑक्सीजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होगा, तो माइनस टू मान ले दिया, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का माइनस टू है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, दो है, तो दो से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू, क्या लिखूं अलजेब्रिक सम सर, जीरो, जीरो न्यूट्रल है तो जीरो। अभी से अलजेब्रिक सम को सॉल्व करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ गया, प्लस फोर लिख दोगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, है ना, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x, यस सर, ठीक है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, ऑलवेज माइनस वन, यस सर, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं, फोर, फोर चार फ्लोरिन है इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो इसको, एक्स कितना आ गया, फोर, 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 तो सल्फर का प्लस फोर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ढेर सारे एलिमेंट आ गए, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला लग रहा होगा, यहाँ पर बोल्ड एटम कौन सा है, हाईलाइटेड एटम कौन सा है, मैग्नीज, यहाँ क्या लिखोगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमन इज इक्वल टू एक्स, तो एमन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। पोटेशियम तुम्हें मालूम है, अलजेब्रिक सम बनाओगे, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, ग्रुप वन में है देखो पोटेशियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप वन में है, तो ग्रुप वन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ग्रुप वन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, प्लस वन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमन, एमन का क्या लिखोगे, एक्स, एक्स तुमने यहाँ लिखा है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का माइनस टू, कितने ऑक्सीजन है, फोर, फोर, फोर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, यहाँ पर आएगा वन प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, फिर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो एक्स इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा, प्लस सेवन, एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन के साथ लिखोगे, प्लस माइनस के साथ लिखना होता है, तो सेवन अगर आ गया तो प्लस सेवन लिखोगे, ठीक है, तो एमन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन हो गया, ठीक है। आगे जाओ K2Cr2O7 में, यहाँ पर हाइड्रेटेड एटम है क्रोमियम, क्रोमियम का निकालना है, ठीक है, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू, है ना, यहाँ लिखोगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू एक्स, क्रोमियम इज इक्वल टू एक्स तुमने लिख दिया, ठीक है। दो पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या इतना होता है बेटा, पोटेशियम का प्लस वन, कितने पोटेशियम है, दो, प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू,
ऑक्सीडेशन नंबर आप क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम कितना होगा बेटा, क्रोमियम का एक्स, ऑक्सीजन का माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फोर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे अब यहाँ पर, सॉल्व करने में कितना आ रहा है, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स आ गया, प्लस सिक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स हो गया। किसी कोई डाउट बेटा इन सब एग्जांपल में? नो सर, नो सर। एग्जांपल नंबर सेवन में आ जाते हैं, सेवन्थ में। यहाँ पे क्या ज्यूम करो, यहाँ पे देखो सोडियम का निकालना है, हाइड्रेट में यहाँ पे सोडियम है तो कुछ नहीं करना, सोडियम क्या बेटा ग्रुप वन में है, सोडियम ग्रुप वन में है ना, ग्रुप वन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस वन, लिख दो गए, छोड़ दो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना, मान लो नाइट्रोजन को बोल्ड कर दिया, जो नाइट्रोजन यहाँ पर है नाइट्रोजन को बोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये बोल्ड हो गया नाइट्रोजन। अब तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इस नाइट्रोजन को, इस सोडियम को मैं जो है नॉर्मल कर देता हूँ, इस नाइट्रोजन का तुम्हें निकालना है मान लो, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, अभी दूसरा क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन में तुम्हें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्या करोगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अलजेब्रिक सम बनाओगे, सोडियम क्या होगा बेटा प्लस वन, नाइट्रोजन ने कितना जूम किया एक्स, कितने नाइट्रोजन है सर, थ्री, थ्री, न्यूट्रल है यहाँ पर, जीरो लिख दूँ, जीरो। अब सॉल्व करोगे यहाँ पर, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वन बाई थ्री। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का फ्रैक्शन में आ गया, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें मिल गया फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आगे आ जाओ, आगे एग्जांपल दिया है KNO3, यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन तुमने एक्स अज्यूम किया है, पोटेशियम में क्या होगा, ग्रुप वन एलिमेंट है तो प्लस वन, नाइट्रोजन का एक्स अज्यूम किया है, ऑक्सीजन का माइनस टू होगा और तीन ऑक्सीजन है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव आ गया, सॉल्व करोगे फाइव, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्लस फाइव। अमोनिया में निकालोगे, तुम लोग बताओ बेटा अमोनिया, तुम लोग करके बताओ, अमोनिया बताओ, क्लोरीन को बताओ और इस क्लोरीन को बताओ, नाइन टेन इलेवन करके बताओ सर, अमोनिया का माइनस है, अमोनिया कितना आ रहा बेटा नाइट्रोजन का, बोलो बेटा दोबारा बोलो, माइनस क्या बोले हो, माइनस थ्री आ रहा, माइनस थ्री, किसी ने बोला माइनस थ्री, सही है नाइट्रोजन, तुमने एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स प्लस हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, लेकिन तीन हाइड्रोजन है ना इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करोगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, याद रखना बेटा जितना हाइड्रोजन है से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो माइनस वन आ जाएगा तुम्हारा, जो गड़बड़ है सर, सारे हो गए, तो इस क्लोरीन में कितना आ रहा है सर, माइनस वन, माइनस वन, इलेवन वाले क्लोरीन में कितना आ रहा है, इस क्लोरीन में कितना आ रहा है इलेवंथ में सर, फाइव, प्लस फाइव, प्लस फाइव आ गया है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पर देखने से लग रहा है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, देखो यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर प्लस फाइव है, नाइट्रोजन का देखो बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पर माइनस थ्री है, यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ पर माइनस वन बाई थ्री है, मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में हो सकता है, एलिमेंट देखो नाइट्रोजन यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर, लेकिन इन तीनों में जो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग अलग आया, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रहा है। आगे यहाँ पर K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है, निकालो, निकाल कर बताओ बेटा क्रोमियम का, प्लस सिक्स, सर माइनस, सर प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, सर सिक्स, प्लस सिक्स आ रहा है क्रोमियम, तुमने ज़ूम कर लिया, क्रोमियम इक्वल टू एक्स, ठीक है, दो पोटेशियम यहाँ पर है,
पोटेशियम का प्लस वन होता है वन मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस एक्स, कितना क्रोमियम है दो, दो से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू होगा, लेकिन सेवन ऑक्सीजन है सेवन से मल्टीप्लाई करोगे अलजेब्रिक सम जीरो, ठीक है सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस सिक्स, यहाँ लिखोगे प्लस सिक्स N2O, N2O में नाइट्रोजन का निकालना है प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन होगा CA3P2, इसमें फास्फोरस का निकालना है सर माइनस आ रहा है बेटा माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस थ्री आ रहा है फास्फोरस तुमने अज्यूम किया एक्स है, कैल्शियम ग्रुप टू में है, कैल्शियम ग्रुप टू में है तो कैल्शियम क्या होगा टू, लेकिन यहाँ पर तीन कैल्शियम है टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, ठीक है फास्फोरस एक्स अज्यूम किया दो फास्फोरस है टू से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू जीरो, सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अभी आप देखो आयंस आ गया, अब आयंस का नंबर आ गया, ठीक है आयंस आ गए यहाँ पर, तो अब सल्फर का निकालना है, यहाँ पर सल्फर का निकालना है, यहाँ फास्फोरस का निकालना है, अल्जेब्रिक सम इक्वल टू अब यहाँ कर दो, यहाँ माइनस टू कर दोगे इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू इक्वल टू कर दोगे इक्वल टू माइनस थ्री कर दोगे, ठीक है तो एक्स प्लस माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फोर इक्वल टू क्या होगा माइनस टू, जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे देखो आयन है, ये आयन पर चार्ज है तो इसको लिखोगे माइनस टू, सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस सिक्स, यहाँ पर देखो एच टू सेवन टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ऑप्शन का माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई सेवन इक्वल टू माइनस टू, कितना आ रहा है प्लस सिक्स आ रहा है, ये प्लस सिक्स आ गया, लिख दूं प्लस सिक्स हो गया, इसमें निकालो फास्फोरस का सर फाइव प्लस फाइव, तो फास्फोरस आ गया प्लस फाइव, नाइट्रोजन का निकालो बेटा सर माइनस टू, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर माइनस टू आ रहा है, यस सर नाइट्रोजन इक्वल टू एस अज्यूम कर लिया तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस हाइड्रोजन का प्लस वन होता है मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज इक्वल टू प्लस वन, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस टू, माइनस टू किया, लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का निकालना है, देखो हाइड्रोजन का सर माइनस वन, देखो यहाँ पर लिथियम मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो क्या होगा माइनस वन, हाइड्रोजन का माइनस वन होगा, याद रखो मेटल हाइड्राइड, यहाँ पर अल्मोनियम भी मेटल है लिथियम भी मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होगा हाइड्रोजन का माइनस वन, कुछ नहीं करना माइनस वन लिख दिया सर, एच फोर का भी माइनस वन होगा, एच फोर का हाइड्रोजन तुम्हें निकालना है बेटा, हाइड्रोजन का क्या होगा माइनस वन होगा है ना, यहाँ तुमने नाइट्रोजन का निकाला एन टू है क्लोरीन का कितना होगा यहाँ पर, इसको करना जरूरत है बेटा तो कर लोगे आसान है, क्लोरीन का निकालो यहाँ पर प्लस सेवन, यस सर सेवन, अब यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं केवल डायमंड लिख दिया यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया सर, ग्रेफ वो एलोट्रोप है ना कार्बन का, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे डायमंड में, डायमंड में कौन कौन सा आइटम होगा सर कार्बन ही होगा ना, केवल कार्बन होगा मतलब मैं इसको सी एन लिख दू सी एन, यस सर कार्बन 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 ढेर सारे कार्बन यहाँ पर होंगे मालूम नहीं है कितने कार्बन होंगे यहाँ पर सी एन लिख दिया, ठीक है मतलब ये क्या हुआ कार्बन का ही एलिमेंटल फॉर्म है सी एन, डायमंड क्या है कार्बन ही तो है डायमंड है ना, यस सर तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा ना, यस सर तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं आ जाएगा यहां से, यस सर
उसमें से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है उसी तरह से कार्बन का एलेट्रॉप है सर, कार्बन का एलेट्रॉप है इसको बेटा ग्रेफाइट को डायमंड समझ में आया, ग्रेफाइट को देखो, जिसको डायमंड समझ में नहीं आया ग्रेफाइट को देखो ठीक है, ग्रेफाइट क्या बेटा कार्बन है ना कार्बन, डायमंड क्या बेटा डायमंड भी क्या था कार्बन था, ग्रेफाइट भी कार्बन है ना, और ये एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट के फॉर्म रहता है, मतलब यहाँ पर कार्बन से ही दूसरा कार्बन बनाएगा, तो अगर कार्बन एलिमेंटल फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा ना, यस सर, ग्रेफाइट भी क्या एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ग्रेफाइट का कार्बन का जीरो होगा, अगर मैं यहाँ पर कोल लिख दूं कोल क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का जीरो, कोल भी क्या है बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, यस सर, आगे आ जाओ सर, ग्रेफाइट पे तो प्लस वन चार्ज होता है ना, क्या ग्रेफाइट पे तो प्लस वन चार्ज होता है, नहीं सुनाई दे रहा, तुम मल्टीपल लोग बोल रहे हैं, कोई एक बोलो सर, मैं कह रहा हूँ ग्रेफाइट में तो प्लस वन चार्ज होता है ना, कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है ग्रेफाइट में सर, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है जब चार्ज नहीं होता तो, बेटा यहाँ देखो जो सोडियम मेटल है सोडियम ये न्यूट्रल है या चार्ज है ये बताओ सर, न्यूट्रल, न्यूट्रल, तो यहाँ पे अगर तुम सोडियम का तुमने एक रॉड बना लिया इस तरह सोडियम का रॉड, तो अब ये रॉड न्यूट्रल है चार्ज है, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा तुम्हें अदर साइड से, यस सर, तो वही होता है ग्रेफाइट का, जिस तरह से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना उस तरह से ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ठीक है, आ जाओ आगे चल दे सर, हाँ बोलो सर, जो बक मिनिस्टर फुलरेंस जो 10th क्लास में था उसका भी तो जीरो होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो फुलरेंस है बक मिनिस्टर फुलरेंस उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का जीरो होगा उसमें, अब आ जाए बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सेप्शनल चीजें पढ़ेंगे ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यहाँ पर हाईलाइट किया गया ऑक्सीजन को ठीक है, तो सिंपल रूल से चलोगे, रूल क्या बोलता है लेट द ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स, लिख दिया एक्स, यस सर, सोडियम में क्या होता है बेटा प्लस वन, सर प्लस वन, प्लस वन, कितने सोडियम है दो, दो ठीक है, प्लस ऑक्सीजन तुमने एक्स अज्यूम किया, कितने ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर दो इज इक्वल टू जीरो, यस सर, सॉल्व करो एक्स कितना जा रहा है माइनस वन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन आ गया, माइनस टू नहीं आया माइनस वन आ गया, यस सर, है ना, अगर कहीं पर भी अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा पहले ये देखो ये समझ में आया कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया कैसे आया समझ में आया कि नहीं, यस सर आया, यस सर, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर आ गया, कोई ऐसा है, नो सर, ओके, तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है ना, कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन इन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज परऑक्साइड, ऑक्सीजन having oxidation state minus one in compound are known as peroxide, ठीक है, कोई भी ऐसा compound जिसमें oxygen का oxidation state minus one आ जाए, oxidation state या oxidation number एक ही मतलब है ठीक है भैया, किसी भी बेटा माइक ऑफ करके बातें करो घर पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन आ रहा तो क्या होगा परऑक्साइड, इसको याद कर लो ठीक है, इसका मतलब Na2O2 क्या है परऑक्साइड, परऑक्साइड है,
एक और एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल तुमने ले लिया यहाँ पर BaO2, BaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकालो तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन BaO2 निकालो। सर -1 -1 बेरियम क्या होगा बेटा, बेरियम ग्रुप 2 में है, +2 प्लस ऑक्सीजन का तुमने एक्स अज्यूम किया मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। यस सर। सो एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया। yes, है ना, इसका मतलब बेरियम, ये जो कंपाउंड है बेरियम का, ये क्या है बेटा, पेरोक्साइड। ये तुमने कंपाउंड जो बनाया है वो क्या है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ठीक है, ये पेरोक्साइड होगा, ये पेरोक्साइड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो H2O2। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें ऑक्सीजन का निकालना है, निकालो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 आ रहा है। यस सर। इसका मतलब H2O2 क्या है, परऑक्साइड। अगर मानो तुम्हें ढेर सारे कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें से कौन कौन से परऑक्साइड है तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे? यस सर। तुम्हें क्या करना होगा, केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया तो क्या होगा, परऑक्साइड। परऑक्साइड ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, ओजोन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जीरो, एलिमेंटल स्टेट में जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं, -1 नहीं होगा बेटा, फ्लोरीन का -1 होता है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस फ्लोरीन का -1 होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, +1 आएगा, यहाँ पर आ गया +1। ठीक है, तो ये +1 वाला याद रखा है बेटा, ऊपर मैंने लिखवाया था। यस सर। देखो OF2 में, O2F2 में +1 होगा, और OF2 में कितना होगा बेटा, +2। जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, OF2 में कितना होगा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एक्स, सो एक्स प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू +2, तो ये जाएगा +2। ठीक है, 25th क्वेश्चन है, हाँ, उसमें तो ऑक्सीजन का जो है वो -1 है, तो वो ऑक्टेट तो होएगा ही नहीं, तो सर वो मतलब चार्ज भूल जा बेटा, यहाँ पर ये कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड है, ये जिस तरह तुम सोच रहे हो उस तरह से नहीं है, है ना, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है देखो इस तरह से होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर सोडियम से बॉन्ड बनाया गया इस तरह से। ठीक है, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन सोडियम के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, एक वैलेंसी ऑक्सीजन कंप्लीट होगा, दूसरा वैलेंसी सोडियम से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो अब यहाँ पर बॉन्डिंग किस तरह से हो रहा है, ऑक्टेट क्या होता है, इसको हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर आप हर चीज देख लेंगे। ठीक है, किस तरह से बॉन्ड बना, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सब कुछ वहाँ पर सीखेंगे। आगे यहाँ पर दिया गया KO2, ठीक है, KO2 हम लोग देखेंगे, KO2 ठीक है, सर सुपर ऑक्साइड है KO2, तो -1/2 तो यहाँ पर तुम निकालोगे, है ना, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट तुमने एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद तुम आगे सॉल्व करोगे तो पोटेशियम का +1 होता है, +1 प्लस ऑक्सीजन का तुमने एक्स अज्यूम किया मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहा है, -1/2 आ गया। जा रहा है मेरा बेटा सबको? यस सर। तो एक्स इज इक्वल टू -1/2 आ गया सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये सुपर ऑक्साइड है ना,
इसमें तुमसे कोई डाउट है? 29 में देखो, 29 तुमने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू निकाला, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वन बाई टू आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो अब यहां से तुम्हें मिल गया सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड जो टर्म दिया गया है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा? कंपाउंड हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस वन बाई टू आर नोन एज सुपर ऑक्साइड। लिखोगे यहां पर कंपाउंड हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस वन बाई टू आर नोन एज सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको नोट कर लो, सुपर ऑक्साइड का डेफिनेशन मैंने बोला था, ऊपर बताऊंगा मैं आगे। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये 1/2 इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा सर ऑक्सीजन? तुम भूल जा रहे बेटा, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुआ है ना, वो अलग टाइप का बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, केवल और केवल यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है और साथ में दूसरा बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो मिक्स होगा। इस तरह मैंने बताया था बेटा Na2O2 का, तो बॉन्डिंग बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, बॉन्डिंग बारे में टेंशन मत लो तुम, क्योंकि 10 बॉन्ड बना होगा, सो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक्चुअली इसको MO थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, जो सुपर ऑक्साइड है इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। और ये क्या, ये थ्योरी कौन सा है, थ्योरी क्या होता है बॉन्डिंग का, उसको तुम लोग सीखोगे। हल्टी एग्जाम्पल दिया गया है जेनॉन ऑक्साइड, तुम बोलो जेनॉन कंपाउंड बनाता ही नहीं, तो ये बोल दोगे, है ना सर? प्लस सिक्स जेनॉन तो इनर्ट गैसेस है, कैसे कंपाउंड बना लिया? यस सर। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेनॉन कैसे कंपाउंड बना लिया है ना, उसको लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कैसे कंपाउंड बना लिया जेनॉन, ठीक है। तो इनर्ट गैस में जो जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनॉन इज इक्वल टू एक्स, है ना, जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तुमने एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू होगा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस सिक्स। बस लिख देना तुम्हें, तुम्हें अभी केवल यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है इस चैप्टर में केवल, ठीक है। किस तरह से बॉन्ड बनाया उसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसको पढ़ना है लेकिन डिटेल में पढ़ना है, इस तरह से बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले उसका थ्योरी बताएंगे बॉन्डिंग किस तरह से होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, VSEPR थ्योरी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसको तुम लोग करोगे, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnK2MnO4, अभी सॉल्व किया ऊपर निकालो बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ बताओ तुम लोग। तो यहाँ पर डी पार्ट कुछ लोग बोल रहे हैं करेक्ट है, बाकी लोग बोलो सर डी करेक्ट है सर, प्लस सिक्स। मैं देखूं यहाँ पर प्लस सिक्स आ रहा है, प्लस सिक्स यहाँ लिखा हुआ है, प्लस सिक्स है डी पार्ट, ठीक है। अलजेब्रिक सम यहाँ तुमने जीरो कर दिया तो प्लस सिक्स आ गया है। एग्जाम्पल नंबर टू करो, प्लस सिक्स आ रहा है, ये हम लोगों ने ऊपर किया था अभी कुछ देर पहले, ये प्लस सिक्स आ गया है, सोल्यूशन में लिखा हुआ प्लस सिक्स। एग्जाम्पल नंबर थ्री करो, एग्जाम्पल नंबर थ्री करो, एक मिनट थ्री करो, एग्जाम्पल नंबर थ्री। सर डी आ गया डी पार्ट, यस सर। एक बार बता दो बेटा, यहाँ पर अलजेब्रिक सम जीरो करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे जीरो हो गया है ना। तो यहाँ पर तुम्हें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तुम्हें निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अमोनियम सल्फेट है, तो ये क्या होगा, अमोनियम सल्फेट किस तरह से होगा यहाँ पर, ये एन एच फोर प्लस होगा कि नहीं होगा, एन एच फोर प्लस फॉर्म होगा अमोनियम आयन, देखो यहाँ लिखा हुआ है एन एच फोर होल ट्वाइस एसओ फोर गिव्स, बोल जाए क्या गलत लिख दिया यहाँ पर एन एच फोर, ठीक है, तो अगर तुम इसको डिजॉल्व करोगे वाटर में एन एच फोर होल ट्वाइस एसओ फोर, तो डिजॉल्व होने पर क्या देगा बेटा, ये डिजॉल्व होने पर देगा एन एच फोर प्लस, ठीक है, प्लस एसओ फोर टू माइनस, है ना, तो ये अमोनियम आयन है। अगर तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है तो इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन इज एक्स प्लस, हाइड्रोजन का प्लस वन होता है मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू प्लस वन, सॉल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फोर, क्या सर एसओ फोर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, तुमने डिसोसिएट करा दिया, अगर तुम्हें मालूम है कि ये इस तरह से ब्रेक होगा उसको डिसोसिएट करा के देख सकते हो, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था NaCl का, NaCl को वाटर में डालो तो क्या बनाएगा Na प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो सोडियम को क्या हो गया Na प्लस, है ना सर, इसका बी पार्ट आ रहा है प्लस 5, प्लस 5 नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर ये प्लस फाइव आ गया, है ना प्लस फाइव आ गया, ठीक है आगे आते हैं, उसमें फोर में आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये डी पार्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन करो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस वन होगा, ठीक है यस ओके, तो और जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उसको हम लोग करेंगे थोड़ा देर बाद करेंगे, है ना, जो और क्वेश्चन सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर मुझे बहुत देर से नहीं आ रही, हेलो सर किसने म्यूट तो नहीं कर दिया सर को, हेलो कोई कैसे कर देगा, थैंक यू, फिजिक्स टेबल बनाया गया है, अच्छा इस टेबल में लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, अरे कहाँ गए, सर लेफ्ट हो गए क्या, लेफ्ट हो गए, अरे लेफ्ट हो गए सर, तो हाँ लेफ्ट कर दिया, बच्चों क्लास हो, हाँ टाइम तो हो गया वैसे, हाँ ये बात है, चलो भाई क्लास खत्म, क्लास खत्म, अरे फिर भी एक मिनट रुको क्या पता आ जाए, आ गए आ गए आ गए, तो आपकी प्रेजेंटिंग स्क्रीन नहीं, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, ना प्रेजेंटिंग स्क्रीन है भाई, बॉटल दियो मेरी, ओके जब तक बोला जाए बेटा तब तक क्लास छोड़कर जाना नहीं है ना, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं बीच बीच में, तो उसको दो तीन मिनट लगता है इसमें, तो रुके रहना है जब तक बोला ना जाए तुम लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन वाला डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं, तो वैलेंसी पॉइंट वन जाओगे, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, नो प्लस आर माइनस साइन अटैच टू इट, है ना, तो वैलेंसी में क्या तुम प्लस माइनस लिखते थे पहले, नहीं ना,
नो सर। और लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस माइनस से लिखते हो, वहां प्लस होता है माइनस होता है, बड़ा डिफरेंस ये हो गया जो वैलेंसी, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको चार्ज से प्लस हो गया तो माइनस होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली फिक्स्ड। जो एलिमेंट है तुमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, हमेशा टू होगा, फिक्स हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी वन होता है, ठीक है, तुमने हाँ फिक्स कर दिया वहां पर। नाइट्रोजन का वैलेंसी थ्री होता है, ये फिक्स होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वैलेंसी इज ऑलवेज ए होल नंबर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर देखा बेटा फ्रैक्शन में आया था सर, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना कॉपी में। फोर्थ पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज नेवर जीरो एक्सेप्ट नोबल गैसेस, है ना। वैलेंसी कंपाउंड का कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तुमने देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। सर फर्स्ट वाला समझो, फर्स्ट पॉइंट में बताया था बेटा, जो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या प्लस माइनस लेते हो, जैसे तुम नाइट्रोजन का वैलेंसी लेते हो, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है बेटा, थ्री होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या टू होता है, ये प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस माइनस होता है, यही लिखा हुआ है। सर कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होगा सर? कंबाइनिंग मतलब कि एक नाइट्रोजन कितने अदर एलिमेंट से कंबाइन करेगा, तो वैलेंसी क्या है 3 है, है ना, तो 3 हाइड्रोजन से वैलेंस यहां पर कंबाइन करेगा। हां सर, लिख लिए बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो चीजें बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट, डिडॉक्सिलेशन बचा हुआ है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट क्या होता है सर, एक मिनट। हां सर, जैसा आप चैप्टर 8 पढ़ा रहे हो तो सर आगे मैं नहीं, चैप्टर 8 नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये चैप्टर 8 नहीं है, टॉपिक चैप्टर 1 ही है। हां ये सम बेसिक कांसेप्ट में आएगा, ये तुम्हारे सिलेबस में बाद में दिया गया है, लेकिन ये सम बेसिक कांसेप्ट में ही है, चैप्टर 8 में बताया जाएगा। हां सर एक मिनट, ऊपर कर दे एग्जांपल के स्क्रीनशॉट लेना था बेटा, कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। यस सर। कौन सा एग्जांपल लेना बेटा, एग्जांपल? हाँ यहीं से ले लिया, आगे बढ़ूं, स्क्रॉल करूं? यस सर, आगे बढ़ना, बोलते जाना, थ्री पे। यस सर। सर और आगे सर, दोनों को नहीं करवाया मैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे सर, और आगे सर हो गया।